शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है ओम शांति। वर्तमान समय और परिस्थितियों अनुसार आज मेजॉरिटी मनुष्य आत्माओं के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भय सदा ही रहता है। एक प्रकार का या किसी भी प्रकार का फियर अंदर जो है छुपा बैठा रहता है। कर्म करते हुए भी, व्यवहार में आते हुए भी अंदर वो भय जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे वर्क को, उसमें जो है किसी ना किसी रूप का विघ्न डालता रहता है। चाहे हम भविष्य प्लानिंग करते हैं, वहां भी वो भय आ जाता है और हमारे अंदर अनेक प्रकार के भयभीत करने वाले सीन क्रिएट कर देता है। किसी व्यक्ति से, उसके व्यवहार से, या वर्तमान जीवन में चल रही समस्याओं से, या कई बार कुछ भी नहीं है तो भी अंदर ही अंदर किसी ना किसी प्रकार का भय रहता है। हम कैसे इस भय पर जीत पाए, उसके लिए आज नवरात्रि का सातवां दिन है, मां काल रात्रि, जिन्होंने निर्भय होकर असुरों का वध किया। अगर हम अपने अंदर वो महाकाली वाली दिव्य शक्तियों को जागृत करें तो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से सबकॉन्शियस माइंड में जो भय बैठा है उसका हम विनाश कर सकते हैं, उसको हम परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। क्योंकि भय एक बहुत बड़ा बैरियर है। हम कोई भी कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें उतनी सफलता क्यों नहीं मिलती है जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में बैठा हुआ भय हमारे पुरुषार्थ को, हमारी परफॉर्मेंस में विघ्न डालता ना। तो इसलिए उस भय को खत्म करने की बहुत जरूरत है। कई बार हमारे आसपास कुछ भी नहीं होता है लेकिन सूक्ष्म में हमें ऐसा लगता है, एक वाइब्रेशंस आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे आसपास कोई है। चाहे वो कई बार मनुष्य आत्माओं को ना इविल सोल कहें या भूत प्रेत का भी भय रहता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के भय हमारे अंदर रहते हैं, तो जरूरी है कि उस भय को खत्म करना। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर शक्ति जागृत होती है, सूक्ष्म शक्ति जो हमको निर्भय बनाती है। जैसे कालरात्रि माता ने निर्भय होकर असुरों का वध किया, वैसे तो उनका रूप बहुत भयंकर दिखाया है लेकिन एक्चुअल में वो एक सिंबॉलिक है, वो एक शक्ति का रूप दिखाया है। लेकिन ये भी कहते हैं कि वो असुरों के सामने शक्ति रूपा थी लेकिन अपने भक्तों के सामने दयालु थी। तो उसी तरह से हमें हमारे शत्रु कौन है, हमारी अपनी कमी कमजोरियां, तो अपनी कमी कमजोरियों के आगे हमें काल रात्रि के माफिक स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्वरूप में टिकना है। चाहे वो, जैसे मैंने एक बताया, भय है जो सबसे बड़ा है ना। तो जब भी मन में किसी भी प्रकार का भय आए तो उस समय अपने अंदर
दिव्य शक्तियों को जागृत करें कि मैं कालरात्रि हूं, मैं महाकाली हूं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं आ सकता, मैं निर्भय हूं। तो ये जो पुरुषार्थ है, ये जो स्वमान है, ये हमें जीवन में निर्भय बनाता है। जिसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सामना करने की शक्ति। तो सामना करने की शक्ति किसमें होती है? जो निर्भय होता है, जिसके अंदर भय होता है वह कभी सामना नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कहीं हमको सहन करना होता है और कहीं हमें सामना करना होता है। और जब तक हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं होगी, तब तक हमें परमात्मा की मदद भी नहीं मिल सकती। जैसे माता की यही विशेषता थी कि उनके अंदर सामना करने की शक्ति थी, क्योंकि निर्भय थी तो उन्हें शिव परमात्मा की मदद मिली। इसलिए कहते हैं हिम्मते बच्चे मदते खुदा। अगर हम हिम्मत रखते हैं निर्भय होकर, तभी हमें मदद मिलती है। इसलिए अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है या किसी भी प्रकार का हमें भय है, तो वहां पर निर्भय बने, अपने अंदर भी सकारात्मक सोच से अपने अंदर के भय को भी खत्म करें। ना, कई बार वो भय एक सिर्फ इमेजिनेशन होती है, काल्पनिक होता है, या संस्कार होता है भयभीत होने का, तो उस कमजोर संस्कार को दग्ध करें। तो अपने अंदर वो शक्ति रूपा धारण कर अपने को निर्भय बनाएं और सामना करने की शक्ति अपने में लाएं। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए अपने मन को एकाग्र करें। ब्रिकटी के बीच विराजमान मैं दिव्य चैतन्य आत्मा हूं। मैं आत्मा शिव शक्ति हूं। मैं आत्मा निराकार शिव परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो सत्य है, जो कालों का काल महाकाल है, जो स्वयं ही धर्मराज है, जो न्यायकारी है, उनका हाथ मेरे सर पर। वह मेरा साथी है, वह मेरा रक्षक है, परमात्मा मेरा मददगार है। मैं निडर और निर्भय होकर जीवन में आई हुई सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम हूं। मैं मां काल रात्रि की तरह स्वयं में दिव्य शक्तियों की हिम्मत, निडरता को धारण की हुई। परमात्मा से प्राप्त ये दिव्य शक्तियां
मेरे भीतर समाती जा रही हैं। और मुझे अब किसी भी प्रकार का भय नहीं। मैं भय मुक्त बन गई हूं। ये दिव्य शक्तियों की ऊर्जा मुझ आत्मा को शक्ति रूपा बना रही है। और ये ऊर्जा मेरे आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाती जा रही है। और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती जा रही है। मैं शिव शक्ति हूं। मैं निर्भय और निडर आत्मा। ओम शांति। तो इस प्रकार जब भी मन में किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न हो, चाहे वो पास्ट के कुछ ऐसे अनुभव हैं या भविष्य की किसी भी प्रकार की चिंता है या हमारे अपने ही विचार कुछ ऐसे हैं, तो उस समय आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करें तो आप अनुभव करेंगे कि आप भय मुक्त बनते जा रहे हैं। और साथ ही साथ कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक वाइब्रेशंस हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उस समय भी आप इस स्वरूप में स्थित हो जाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ काल रात्रि के सामने कोई भी असुर, राक्षस, भूत, परेत आदि टिक नहीं सकते। तो उसी प्रकार जब हम इस स्वरूप में टिकेंगे तो हमारे आसपास इस तरह का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो सकता। तो अपने आप को आज शक्ति रूपा बन, अपने अंदर दिव्य शक्तियां पैदा करें, जागृत करें अपने अंदर दिव्य शक्तियां। शिव परमात्मा जो कालों का काल महाकाल है, उससे योग लगाकर स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। शक्तियाँ आ गई।